हमारी मुस्लिम बेटियां, हमारी बहनें, उनके सर पर तीन तलाक की तलवार लटकती थी, वो डरी हुई जिंदगी जीती थी। तीन तलाक की शिकार शायद न हुई हो, लेकिन कभी भी तीन तलाक की शिकार हो सकती हैं, ये भय उसको जीने नहीं देता था, उसको मजबूर कर देता था। दुनिया के कई देश, इस्लामिक देश, उन्होंने भी इस कुप्रथा को हमसे बहुत पहले खत्म कर दिया, लेकिन किसी न किसी कारण से हमारी मुस्लिम माताओं बहनों को हक देने में हम हिचकिचाते थे। अगर इस देश में हम सती प्रथा को खत्म कर सकते हैं, हम भ्रूण हत्या को खत्म करने के कानून बना सकते हैं, अगर हम बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, हम दहेज में लेन देन की प्रथा के खिलाफ कठोर कदम उठा सकते हैं, तो क्यों ना हम तीन तलाक के खिलाफ भी आवाज उठाएं। और इसलिए भारत के लोकतंत्र के स्पिरिट को पकड़ते हुए, भारत के संविधान की भावना को, बाबा साहब आंबेडकर की भावना को आदर करते हुए, हमारी मुस्लिम बहनों को भी समान अधिकार मिले, उनके अंदर भी एक नया विश्वास पैदा हो, भारत की विकास यात्रा में वो भी सक्रिय भागीदार बने, इसलिए हमने इस महत्वपूर्ण निर्णय को किया। ये निर्णय राजनीति के तराजू से तोलने के निर्णय नहीं होते हैं, सदियों तक माताओं बहनों के जीवन की रक्षा की गारंटी देते हैं।